हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग एक्सरसाइज एंड ब्रेकफास्ट रूटीन शेयर करने वाली हूँ एंड दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से विदाउट गोइंग टू जिम घर में ही एक्सरसाइज करके पोस्टपार्टम मैंने अपना वेट लूज़ किया है। एंड आई एम श्योर ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी टू ऑल द मॉमीज जो वेट लूज़ करना चाहती हैं। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है थोड़ी सी अर्ली, मैं 5:30 तक उठ जाती हूँ और बस 10 मिनट में फ्रेशन अप होके मैं सबसे पहले अपनी किचन में आई हूँ और अभी मैं अपने जो कॉपर मग में पानी भर के रखती हूँ रात को वो पीऊँगी सिप सिप करके, और इसके साथ मैं 4 बादाम और वॉलनट लूँगी। इस टाइम पे मैं आराम से 10-15 मिनट बैठ के ये प्लेन वाटर लेती हूँ और अपने अराउंड जो भी पॉजिटिव एनर्जी है उसको गैदर करते हुए इस ब्यूटिफुल से डे की शुरुआत करूँगी। वैसे तो मैं अक्सर प्रेफर करती हूँ कि मैं बाहर जाऊँ और वॉक करूँ या जॉग करूँ, क्योंकि फ्रेश एयर में बहुत ही अच्छा लगता है मॉर्निंग में। जब पॉल्यूशन फ्री एयर आप इनहेल करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी, सोल, सब कुछ रिजुविनेट हो जाता है। बट कभी कभार ऐसा होता है कि बाहर नहीं जा पाते ड्यू टू वेदर कंडीशंस या खुद का ही मन नहीं करता, तब मैं घर में भी वर्कआउट कर लेती हूँ। और जब मैं घर में वर्कआउट करती हूँ तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से। तो मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ, थोड़ा सा मैं अप स्ट्रेच करूँगी, थोड़ा सा नेक मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, फॉरवर्ड बेंड, स्लाइड बेंड्स, ये सब स्ट्रेचिंग करूँगी। स्ट्रेचिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने वर्कआउट रूटीन में, क्योंकि इससे आपको कोई भी इंजरी होने का डर नहीं रहता। एट द सेम टाइम आपके जॉइंट्स जो हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाते हैं एंड विद टाइम आप देखेंगे कि आप सारी एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो अगर आप बिगिनर हैं या फिर आप लर्नड हैं, एक्सरसाइज करते ही रहते हैं, मैं दोनों को रिकमेंड करूँगी कि आप अपने स्ट्रेचिंग ज़रूर करा करिए, चाहे आप वर्कआउट रूटीन स्टार्ट करते टाइम या फिर ख़त्म करते टाइम। तो ये सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते करते मुझे 6 to 7 मिनट्स हो जाते हैं और पूरी बॉडी प्रेप अप हो जाती है कार्डियो वर्कआउट के लिए। तो चलते हैं अपने कार्डियो वर्कआउट की तरफ, और कार्डियो वर्कआउट मैं स्टार्ट करती हूँ स्क्वाट से। आज मैं साइड स्क्वाट कर रही हूँ, कभी कभी मैं स्क्वाट्स विद नी अप करती हूँ। इसमें मैं 25 मूव्स करती हूँ इन अ सेट ऑफ 4 और हर सेट के बीच में मैं 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेती हूँ। स्क्वाट्स करना लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है फॉर देयर लोअर बैक, टमी फैट, थाई फैट, एवरीथिंग गेट्स टोन्ड अप। चलते हैं सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ जो है हाई नी जंप। अगेन इसे मैं 25 टाइम्स करूंगी इन अ सेट ऑफ 4। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा पैर अभी नहीं उठा पा रहे हैं, तो इट्स ओके, आप मेरी तरह इजीली इसे कर सकते हैं। अब करते हैं जंपिंग जैक्स। अगेन इसे मैं 25 टाइम्स करूंगी इन अ सेट ऑफ 4। और ये सारी एक्सरसाइज मैं इन अ साइकिल करती हूँ, कभी मैं ये एक्सरसाइज करती हूँ और कभी मैं दूसरी एक्सरसाइज रोटेट कर लेती हूँ। अब करते हैं एब्स वर्कआउट। एब्स वर्कआउट मैं स्टार्ट करती हूँ क्रंचेस से। अगेन क्रंचेस मैं 100 क्रंचेस करती हूँ, 25 के मैं सेट्स लगाती हूँ 4। उसके बाद करते हैं रशियन ट्विस्ट, ये 30 करती हूँ इन अ सेट ऑफ 4 और हर सेट के बीच में आप ध्यान रखिए 30 सेकेंड्स का गैप जरूर दीजिए। अब करते हैं लेग रेजेस। अगेन मैं 30 लेग रेजेस करूंगी एट अ टाइम इन अ सेट ऑफ 4। और ये मेरे रूटीन की लास्ट एक्सरसाइज होती है जो कि है प्लैंक। मैं अभी इसे बहुत ज्यादा होल्ड नहीं कर पाती, आई कैन जस्ट होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स। और ये है कूल डाउन वर्कआउट। मैं कूल डाउन के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना प्रेफर करती हूँ, तो मैं अभी अनुलोम विलोम करूँगी। 5 से 7 मिनट मेरा इसमें आराम से जाता है। तो यही मेरा अराउंड 30 to 35 मिनट्स का वर्कआउट रूटीन रहता है एंड इट रियली बूस्ट योर एनर्जी। सो आई वुड हाईली रिकमेंड ऑल द मॉमीज टू ट्राई दिस वर्कआउट रूटीन।
और वर्कआउट करने के बाद मैं एक कप ल्यूक वार्म वाटर विद सम लेमन जूस इन इट पीती हूँ। और अब चलते हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने की तरफ। आज मैं पफ्ड राइस पोहा बनाने वाली हूँ। हम फ्लैटेंड राइस से पोहा तो हमेशा बनाते हैं, बट आज मैं इसका एक वेरिएंट बना रही हूँ। इसके लिए मैंने पफ राइस को थोड़ा सा पानी से धो के रख दिया है और साथ ही साथ मैंने अनियन चॉप कर लिया है, धनिया, ग्रीन चिली और थोड़ी सी करी लीव्स ली हैं, और इसमें मैं थोड़े से पीनट्स भी ऐड करूँगी। तो मैंने थोड़ा सा घी लिया है जिसके अंदर मैंने मस्टर्ड सीड्स डाल दिए हैं और करी लीव्स डाल दी हैं, और इन्हें क्रैकल होते ही मैं इसके अंदर हैंडफुल ऑफ पीनट्स डाल के उन्हें हल्का सा सॉटे कर लूँगी। और अब इसके अंदर हम ग्रीन चिलीज एंड अनियन भी ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करने के बाद मैं अनियंस को ट्रांसलूसेंट होने तक सॉटे कर लूँगी। इन द मीन टाइम हम पफ राइस में अपना थोड़ा सा मसाला मिला लेते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड किया है। रेड चिली पाउडर ऑप्शनल है, आप कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं अगर आपने ग्रीन चिलीज यूज़ की हैं। और अब मैं इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लूँगी। इस तरीके से मसाला मिलाना बहुत आसान हो जाता है और आपके जो पफ्ड राइस हैं वो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। और बस अनियन को कुक होते ही हम इसके अंदर पफ्ड राइस भी ऐड कर देंगे, और सिमिलरली जैसे हम पोहा बनाते हैं उसी तरीके से इसको मिक्स करते हुए कवर करके लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए कुक होने देंगे। और लास्ट में मैं इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करूँगी विच इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, और इसे थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के गार्निश कर लूँगी। आप इस यम्मी हेल्दी रेसिपी को एक कप चाय के साथ इंजॉय करिएगा, और साथ ही साथ इसमें थोड़े से स्लाइस्ड अनियंस भी ले लीजिएगा जो इस डिश की टेस्ट को 4 चांद लगा देंगे। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, और अपने राय मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में शेयर करिए। और फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।